आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। तो आज हम जानेंगे गूगल अकाउंट कैसे बनाएं, उसका पासवर्ड कैसे चेंज करें और उसे रिमूव कैसे करें, इसी एक ही वीडियो की मदद से। अगर आप ये सब पहले से जानते हैं तो आप महान हैं, अगर नहीं जानते तो चलिए जान लेते हैं। इसी जीमेल अकाउंट को बनाने के लिए आपको पहले अपना जीमेल एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा, जो कि सभी डिवाइस में कंपलसरी दिया जाता है। मेरे पास तो है और आपके पास भी जरूर होगा, कुछ इस तरह का होगा आपका होम पेज। यहाँ से आप इस वाले आइकॉन पर क्लिक करें, अब उसके बाद ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करें। अब यहाँ से गूगल को सिलेक्ट करें, अगर आपके पास पहले से कोई जीमेल अकाउंट है तो यहाँ से उसे लॉगिन करें, अगर नहीं है तो फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके माई सेल्फ पर क्लिक कर दीजिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप वो नाम दे दीजिए जिस नाम से आप जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा अपना चैनल का नाम दे रहा हूँ, गेम्स एंड एप्स इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर अपना बेसिक इंफॉर्मेशन यानी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट करते ही आपसे जीमेल अकाउंट चूज करने के लिए कहा जाएगा, आप चाहे तो ऊपर से कोई भी एक जीमेल अकाउंट नेम चूज कर सकते हैं और फिर आप चाहे तो नीचे से अपना खुद का जीमेल अकाउंट नेम भी तैयार कर सकते हैं, पर बेहतर होगा आप ऊपर से कोई एक अच्छा देख के चूज कर लीजिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टाइप करें, याद रखना वो पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब यहाँ से उसे नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, बेहतर होगा आप ये इंटरफेस पढ़ लीजिए या फिर आप चाहे तो स्क्रॉल डाउन करके इसे इग्नोर करके यस आई एम इन पर क्लिक कर सकते हैं। कुछ इस तरह का दिखेगा आपका अकाउंट, ऊपर होगा अकाउंट होल्डर नेम और नीचे होगा अकाउंट नेम, बस इसे भी इग्नोर करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट करते ही जीमेल आपको कुछ पॉलिसी के बारे में बताएगा, आप पहले की तरह इसे भी इग्नोर कर दीजिए। अब लीजिए आपका अकाउंट तैयार है, अब हमें अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज करना है, इसके लिए फिर से इसी आइकॉन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से मैनेज योर गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप अपने जीमेल अकाउंट का हर डिटेल्स पता कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, मतलब कि आपका जीमेल अकाउंट कब कहाँ और कौन सी डिवाइस पर लॉगिन है या फिर हुआ है वो सब आप यहाँ से पता कर सकते हैं। आप चाहे तो उस अकाउंट को उस दूसरे डिवाइस से लॉग आउट या फिर हटा भी सकते हैं, यही से आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन भी मिल जाएगा। अब चलिए जैसे कि मैंने कहा था पासवर्ड कैसे चेंज किया जाए वो जान लेते हैं। इसके लिए पर्सनल इन्फो को सिलेक्ट कीजिए, नीचे पासवर्ड ऑप्शन मिलेगा उसे सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको अपना ओरिजिनल पासवर्ड यानी पहला वाला पासवर्ड देना पड़ेगा, वरना आप नया पासवर्ड डाल नहीं सकते, तो नॉर्मली यहाँ पर अपना ओरिजिनल पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट करते ही आपको पहले की तरह दो बार अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देने के लिए कहा जाएगा, बस वही कीजिए और चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। अब लीजिए आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है, अब यहाँ से गेट स्टार्टर पर क्लिक करके आप होम पेज पर आ जाइए। अब साथ ही साथ देखेंगे गूगल ने आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपका जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज किया गया है,
अगर आपने नहीं किया तो इसके बारे में कोई स्टेप लीजिए, अगर आपने ही किया तो इसे छोड़ दीजिए, मतलब कि इग्नोर कर दीजिए। सो गाइस, गूगल अकाउंट तो आपका तैयार है, उसका पासवर्ड भी चेंज हो चुका है, पर अब हमें ये अकाउंट अपने फ़ोन पर नहीं चाहिए। इसके लिए पहले हमें हमारा होम पेज पर जाना पड़ेगा। अब यहाँ से फिर से वही आइकॉन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस पर क्लिक करें। अब यहाँ से गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप कौन सा अकाउंट हटाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। अब ऊपर थ्री डॉट है, आप वहां पर क्लिक करें। उसके बाद रिमूव अकाउंट पर क्लिक करें। अब देखिए कुछ ही देर में आपका अकाउंट आपके फोन से हट जाएगा, लीजिए हट भी गया। सो गाइस, टॉपिक के मुताबिक आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।